मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम संस्कृत का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है, उसके लिए संस्कृत का रिवीजन ले रहे हैं। उसी में आपकी पेपर पैटर्न भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। फिल इन द ब्लैंक्स विद By choosing the proper answers। आपको यहाँ पे options दिए हैं। All questions are MCQ। सबसे पहले तो वो आपने याद रखना है, आपको सब MCQ आने वाले हैं, आपने सिर्फ टिक करना है। ओके, फर्स्ट वन इज़ त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ इज इक्वल टू डैश। क्या होगा ये? इसके लिए आपको संयुक्त वर्ण आपने जो सीखे हैं वो बाय हार्ट करने पड़ेंगे। वो कैसे आते हैं वो देखना पड़ेगा। सो हमने संयुक्त वर्ण जो लिए थे, ऐसे ये वाले 10 लिए हुए थे, आपको याद होगा। ऐसे वाले जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये पहले भी नोट्स में भी भेजा है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन क्या है, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो क्या हुआ? त्र। क्या हुआ? त्र। सेकेंड वन इज देखो, अभी त हलंत प्लस र हलंत इज इक्वल टू त्र हलंत, और उसमें अ ऐड किया तो त्र कंप्लीट हुआ। सो आवर आंसर इज त्र। नंबर टू, इस ये आंसर आप कैसे दिखाएंगे? इसको टिक करेंगे से। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन जो है, उसमें जितने भी फिलअप्स आएंगे वो आपके संस्कृत वर्णमाला पे डिपेंड रहेंगे। संस्कृत वर्णमाला, उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे? स्वराहा, व्यंजनानी, संयुक्त स्वराहा, उसके बाद संयुक्त वर्णाहा, जो संयुक्त व्यंजन थे अभी हमने देखे, वो सब आपके बाय हार्ट होने चाहिए। वो टेबल, सबके सब टेबल्स अच्छे से आपने पढ़ने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, प वर्ग इज इक्वल टू प डैश ब भ म। देखो ये कंप्लीट करनी है लाइन। ये कौन सी लाइन है? व्यंजनानी की लाइन है। हमने क्या क्या सीखा था? स्वराहा और व्यंजनानी। व्यंजनानी में जो हमारे 5 क्लासेस है, ये वाला देखेंगे, ये वाला चार्ट आपने अच्छे से करना है। उसके लिए व्यंजनानी में 5 क्लासेस है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। किसी भी वर्ग की लाइन कम्प्लीशन को आ सकती है, या लाइन के पूरे वर्ड्स दिए हैं और वो कौन सा वर्ग है ऐसा भी पूछा जा सकता है। जो वर्कशीट्स में क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो अच्छे से सॉल्व करना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। नाउ अवर दिस क्वेश्चन इज प वर्ग इज इक्वल टू डैश प, तो उसके बाद क्या आएगा? फ, प फ ब भ म। दिस इज अवर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बोला जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो वर्णमाला से ही आएंगे। उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्वराहा कति संति, तो ये वाला चार्ट भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। स्वराहा, टोटल स्वराहा कितने हैं? 13। वॉवेल्स कितने हैं? व्यंजनानी कति संति? 33। ह्रस्व स्वराहा कति संति? 5। दीर्घ स्वराहा 4 एंड संयुक्त स्वराहा 4। अगर आपको पूछा अ ई ऊ रू एंड लू, वो कौन से स्वर है ऐसे पूछा, तो आपको आंसर लिखना आपको आना चाहिए ह्रस्व स्वराहा। अ कीदृश स्वर ह्रस्व स्वर, ई कीदृश स्वर दीर्घ स्वर, ओ कीदृश स्वर संयुक्त स्वर, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे भी पूछा जा सकता है ब, ब है वो स्वर है या व्यंजन है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? व्यंजन। ब कीदृश वर्ण स्वर और व्यंजनम, आपने लिखना है व्यंजनम ब। ओके, ऐसे कोई भी वर्ड्स, इसमें से ब ही मैंने एग्जांपल लिया ब, आपको कोई भी लेटर पूछा जा सकता है। ओके, नाउ मतलब क्वेश्चन नंबर वन फुल डिपेंड्स ऑन संस्कृत वर्णमाला फर्स्ट चैप्टर। वहाँ पे आपका ये हमारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू डिपेंड्स ऑन वर्ण विन्यासम एंड वर्ण संयोजनम। ये जो टॉपिक हमने लिया था वर्ण विन्यास,
और वर्ण संयोजन. वर्ण संयोजन मतलब जॉइनिंग ऑफ द लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड, और वर्ण विन्यासम मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड के लेटर को स्प्लिट करना, उसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद, वर्ण संन्यास. और इसको बोलते हैं वर्ण संयोजनम. वर्ण संयोजनम मतलब वर्णों का मिलन करना. फर्स्ट वन इज गिवन क हलंत प्लस अ प्लस प हलंत प्लस ओ प्लस त हलंत प्लस अह. हमने कैसे किया था? क हलंत प्लस अ मतलब क, कंप्लीट क. प हलंत प्लस ओ मीन्स पो, प्लस त हलंत प्लस अह मीन्स तह. क्या हुआ? क पो तह. आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सॉरी, कपोतह. उसको टिक करना है आपने. तीन ऑप्शंस दिए, लेकिन देखो लास्ट वाला ऑप्शन है कपोत, उसको विसर्ग दिया हुआ नहीं है. अगर आपने कपोत को भी अगर टिक किया तो आपको राइट नहीं मिलेगा. विसर्ग वाला जो कपोतह है उसी को टिक करना है. मतलब अगर लास्ट में विसर्ग है तो आंसर में लास्ट में विसर्ग आना ही चाहिए, वो आपने अच्छे से ध्यान देना है. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. उचितम विकल्पम चित्वा वर्ण विच्छेदम कुरुत. वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यासम, उसको वर्ण उसको उसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद, स्प्लिट करना है वर्ण. माला, माला कैसे बनेगा? मा मतलब म हलंत प्लस आ. ला कैसे बनेगा? ल हलंत प्लस आ. माला, विच इज राइट आंसर? सोच के बताओ. यस, नंबर वन क इज अवर राइट आंसर, माला. नंबर टू तो मा और ल होता है. नंबर थ्री मीला होता है. आप ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको आंसर बराबर पता चल जाएगा. फर्स्ट वन इज अवर राइट आंसर, माला. इस तरह ना फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वराहा व्यंजनानी संयुक्त स्वराहा मात्रा ज्ञानम, उसके ऊपर रहेगा. सेकंड क्वेश्चन वर्ण विन्यासन जो है उसका रहेगा, वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजनम, उसके ऊपर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ए एंड बी पार्ट. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन. सो अवर थर्ड क्वेश्चन देखने के पहले हम वापस से स्वराहा कितने थे तो देखेंगे. स्वराहा देर आर 13 वॉवेल्स स्वराहा, उसमें से 5 ह्रस्व स्वराहा अ ई ऊ रू एंड लू. 4 दीर्घ स्वराहा आ ई ऊ एंड रू, दिस 4 आर दीर्घ स्वराहा. एंड संयुक्त मतलब कंबाइन वॉवेल्स, वो कौन से है? ए ई ओ एंड औ. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ए इज इक्वल टू अ प्लस डैश, ऐसे भी पूछा जा सकता है. तो संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं वो भी आपने अच्छे से पढ़ना है. ये 4 हमारे संयुक्त स्वर है, ए ई ओ एंड औ. ए कैसे बनता है? अ प्लस ई. ई कैसे बनता है? अ प्लस ए. ओ इज इक्वल टू अ प्लस ऊ एंड औ इज इक्वल टू अ प्लस ओ. आफ्टर दैट व्यंजनानी. व्यंजनानी मतलब कॉन्सोनेंट्स. देर आर 33 कॉन्सोनेंट्स इन अवर संस्कृत वर्णमाला. उसमें 5 क्लासेस है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग. ये लाइन कंप्लीशन को भी आ सकती है, आपने अच्छे से पढ़नी है. ओके, यहाँ पे जो 5 क्लासेस है उसमें जो हमारे वॉवेल्स है, सॉरी वॉवेल्स नहीं, कॉन्सोनेंट्स जो है उसमें, उनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजनानी. वो 25 होते हैं. 5 क्लासेस में ईच कंसिस्ट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स, वो कितने हुए टोटल? 25. उनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजनानी. क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजनानी. आफ्टर दैट देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको पूछा ध कीदृशः वर्णः व्यंजनम, नहीं तो ध कीदृशः व्यंजनम, स्पर्श अंतस्थ और उष्म, तो ध कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है. मतलब वो 5 लाइन्स है हमारे 5 क्लासेस में जो व्यंजन है वो आपको बाहट होने चाहिए. कौन सी लाइन का कौन सा व्यंजन है, वो पूरी लाइन क वर्ग मतलब क ख ग घ, ये आपको बाहट चाहिए. च वर्ग च छ ज जन्य, इसे आपने बाहट करके रखने हैं. किसी भी लाइन का लेटर उसको कौन सा व्यंजन है वो पूछा जा सकता है. वो कीदृश व्यंजनम अंतस्थ उष्म और स्पर्श व इज अंतस्थ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं.
और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विच डिपेंड्स ऑन ओनली वर्णमाला स्वराहा व्यंजनानि एंड मात्रा ज्ञानम संयुक्त संयुक्त वर्णाहा वो सब हमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में. उसके ऊपर डिपेंड्स क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड्स ऑन वर्ण संयोजनम ए एंड बी डिपेंड्स ऑन वर्ण विच्छेदम. After that, our question number 3. Question number 3 depends on lingam, vachanam, cha. हमारा दूसरा lesson है, second lesson. उसमें से लिंग और वचन पे आपको question number 3 में questions आएंगे. Question number 3, 1. A. चित्रम दृष्ट्वा उचितम लिंगम चिनुत. चित्र को देख के साथ में आपको word भी दिया जाएगा. उचितम लिंगम चिनुत. Select the proper लिंगो. जेंडर सिलेक्ट करना है. पुस्तकम पुस्तकम कौन सा जेंडर है? क्या बताया था मैंने, सिखाया था? दिस इज अवर रिविजन, आपको आना चाहिए. अभी हमने जब ये लिंगम सीखे थे एट दैट टाइम हमने सीखा था पुल्लिंग शब्द में एंडिंग इन अह, एक वचन में एंडिंग इन अह, द्विवचन इज एंडिंग इन औ एंड बहुवचन इज एंडिंग इन आहा. देखो सिंह सिंहऊ सिंहाहा ये पुल्लिंग शब्द हुए. स्त्रीलिंग शब्द क्या है हमारे? आकारांत स्त्रीलिंगा मतलब एंडिंग इन आ, एक वचन में एंडिंग इन आ. मूषिका मूषिके मूषिकाहा मतलब आ ए आहा ऐसे उसके एंडिंग से थे स्त्रीलिंग के. आ इज इन एक वचनम, ए एंडिंग इज इन द्विवचनम एंड आहा एंडिंग इज इन बहुवचनम. मूषिका मूषिके मूषिकाहा ये हुए हमारे स्त्रीलिंग. नपुंसकलिंग में क्या रहता है हमारा? एक वचन जो वर्ड रहता है वो एंडिंग इन अम. देखो यहाँ पे पत्रम पत्रे पत्राणी अम ए आनी दीज आर द एंडिंग्स ऑफ नपुंसकलिंग शब्दाहा. अभी यहाँ पे पुस्तकम फिर क्या आएगा? पत्रम की तरह इसका एंडिंग है. पुस्तकम मतलब बुक. तो ये कौन सा हमारा लिंग हुआ? नपुंसकलिंगम. अवर आंसर इज नपुंसकलिंगम. सो टेक द नपुंसकलिंगम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3B. चित्रम दृष्ट्वा उचितम शब्दम चिनुत. दिस डिपेंड्स ऑन वचनम. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टू पीकॉक्स. वचनम टू है मतलब क्या होगा? मयूरह मयूरौ और मयूराहा. मयूरह इज फॉर एक वचनम वन पीकॉक. मयूरौ टू पीकॉक्स एंड मयूराहा मेनी पीकॉक्स. यहाँ पे कितने पीकॉक दिख रहे हैं? दो. तो आंसर क्या आना चाहिए? मयूरव. क्या आना चाहिए? मयूरव. मयूरह मयूरव मयूराहा. अभी हमने जो सिंह का लाइन देखा आप वापस देख सकते हैं जो पुल्लिंग शब्द की लाइन है क्या है? सिंह सिंह सिंहाहा. मयूरह भी पुल्लिंग वर्ड है तो मयूरह का द्विवचन क्या आएगा? मयूरव. यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे? मयूरव. क्या टिक करेंगे? मयूरव. दिस इज अवर आंसर. इसके लिए आपने आपकी बुक से सेकंड लेसन है शब्द संसार वही आपका पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम वो उसी में आपको मिलेंगे. लिंगम वचनम च वही लेसन है वो आपका लेसन 2. उसमें से आपने सब शब्दार्थ सबके सब शब्द है उसके मीनिंग्स पढ़ने हैं. पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम वर्ड्स और उनके एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम उसमें से पढ़ने हैं. आपके पास बुक तो अभी आपने मार्केट से ली होगी. नहीं ली है अगर फिर भी मैंने आपको PDF भेजी है उसमें से आप स्टडी करना. और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीनों लेसन उसके लेसन से अंदर से आपको अंदर से कुछ भी सेंटेंसेस पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि वो लेसन्स मैंने ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाए हैं. क्योंकि ये लेसन्स जब मैंने पढ़ाए मेरे पास भी वो बुक नहीं थी तो आप डोंट वरी उसके अंदर से आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा. जो भी क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रथम पुरुष है तो एंडिंग इन अति आना चाहिए. सब्जेक्ट सह तौ ते वो मैंने आपको लिया है. अभी भी हम रिविजन लेंगे उसमें मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट तो उसमें आपको बराबर पता चल जाएगा. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज उचित शब्द रूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत. फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर फॉर्म ऑफ नाउन्स. मतलब क्या? जो कारक परिचय और शब्द रूपाणी हमने सीखे एट दैट टाइम हमने शब्द रूपाणी में कौन से शब्द लिए थे? अकारांत पुल्लिंग शब्दाहा राम गज अज बक ऐसे शब्द हमने लिए थे.
कोई भी वर्ड, कोई भी पुल्लिंग वर्ड आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए अपने राम का टेबल बाय हार्ट करके रखना है। राम स्त्रीलिंग के लिए लता का टेबल बाय हार्ट करना है और नपुंसकलिंग के लिए फल, तीनों टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए। मैंने आपको बताया अगर आपका पुल्लिंग लर्न है तो नपुंसकलिंग तो इजीली लर्न हो जाता है, क्योंकि पुल्लिंग जो नपुंसकलिंगम टेबल है वो सेम टू सेम रहता है तृतीया ऑनवर्ड्स। तृतीया से लेके सप्तमी तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग टेबल सेम रहता है, सो आपको इजीली बाय हार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड है? बक, कौन सा है? बक डैश बक यो हो बकेशु, मतलब बक सप्तमी। ये पुल्लिंग की लाइन कंप्लीट करनी है। आपने विभक्ति कौन सी पूछी है वो बराबर देखना है, सप्तमी। फिर राम अगर आपका बाय हार्ट तो आपको इजीली माइंड में आ जाएगा, रामे रामयो हो रामेशु सप्तमी, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, बके बकयो हो बकेशु सप्तमी। दिस इज अवर आंसर। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल पुल्लिंग का दिया है। ऐसे आपको स्त्रीलिंग पूछा जा सकता है, नपुंसकलिंग पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल लतया डैश लता भी तृतीया, तो क्या डालेंगे, लतया लताभ्याम लता भी। फॉर एग्जांपल फलस्य फलयो हो डैश वो क्या है हमारी, फलस्य फलयो हो डैश षष्ठी, तो क्या आंसर आएगा, फलस्य फलयो हो फलानाम। यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन कारक परिचय। कारक परिचय का जो टेबल, कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, वो आपका बाय हार्ट होना चाहिए। यहाँ ओके, यहाँ पे क्या दिया है, करण कारकम डैश विभक्ति ही, हमारा वो टेबल किसने बाय हार्ट किया है, दिस इज अवर टेबल, कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, जो बीच में है ने को से के द्वारा, वो हमारे चिन्ह है प्रीपोजिशन, मैंने आपको सिखाया था वो, आप नोट्स भी एक बार मैंने जो भेजे वो अच्छे से देखेंगे। करणम से के द्वारा तृतीया, यहाँ पे क्या पूछा है, करणम डैश विभक्ति ही, करण कारकम कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति ही, क्योंकि अवर टेबल इज करण कारकम तृतीया। आफ्टर दैट संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध काकी के षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधनम हे अरे भो, दिस इज अवर संबोधनम विभक्ति। सो ये टेबल आपका बाय हार्ट हो जाना चाहिए, तो आप इसके आंसर्स लिख इजीली लिख पाएंगे, करण कारकम तृतीया विभक्ति ही, दिस इज अवर आंसर, दिस इज 5th A। आफ्टर दैट 5th B, क्वेश्चन बी, उचितम चिन्हम चित्वा लिखत, चिन्हम प्रीपोजिशन मैंने अभी बताया, वही टेबल बाय हार्ट होना चाहिए। अपादान से अलग होना, क्या बोला हमने अभी देखा था, अपादान से अलग होना पंचमी, तो यहाँ पे विभक्ति नहीं पूछी है, उसका चिन्ह पूछा है, तो क्या आएगा, अपादान से अलग होना, सो अवर आंसर इज 1st, अपादान से अलग होना, ये हम आंसर लिखेंगे। हमने यहाँ तक 1st क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, संस्कृत वर्णमाला पे, 2nd क्वेश्चन उसी में से, लेकिन वो वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। आफ्टर दैट अवर 3rd क्वेश्चन इज लिंगम वचनम च, मतलब वो लिंग और वचन के लिए वो पिक्चर्स आएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्द रूपाणी, राम लता फल, उसके ऊपर डिपेंड आएगा। आफ्टर दैट अवर 4th क्वेश्चन इज ये दिस शब्द रूपाणी, एंड आफ्टर दैट 5th क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन कारक परिचय। 5th क्वेश्चन ए एंड बी बोथ आर कारक परिचय, उसका टेबल। यहाँ तक हमने आज रिविजन ली है, इसके आगे आगे की पेपर पैटर्न और रिवीजन हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, यहाँ तक आपको अच्छे से पता चला होगा। सो अच्छे से स्टडी करनी है घर पे, जो भी नोट्स दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ने हैं, और ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू ओनली, सो डोंट वरी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस वेरी वेल। थैंक यू।